अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। ये देखो जी, हमारी मुर्गी बीमार थी सुबह से, अब कुछ चलने लगी है। सुबह तो चल नहीं रही थी, तो इसका हमने इलाज किया है। सुबह भी दवाई दी है, अब भी देने लगे हैं। बीमार है, दूसरी मुर्गियाँ हमने बंद कर दी हैं। शाम का टाइम हो गया, वो छोड़ी हुई थी, तो अब माशाल्लाह बेहतर आगे से देखो। तो हमने इसे दिया क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमने इसे क्या दिया है, तो मैं तो जब भी मेरी मुर्गियां बीमार होती हैं, एक दो, ये तो है 100 के करीब है, कोई एक दो बीमार हो जाए उसमें से, उसे पकड़ के मैं खुद ही उसका ट्रीटमेंट करता हूं। तो अब मैंने इसे बाहर ये फीड दी है। हमारी मुर्गियां इधर गाँव में ही हैं, रखी हुई हैं बाहर, क्योंकि भैंसें होती हैं, इस वजह से बाहर छोड़नी पड़ती हैं। और साथ ये खाला भी है, तो इसमें से ठंडा पानी पी लेती हैं, इस वजह से हो सकता है बीमार हो जाएं। मैं फ़िलहाल तो कोशिश करता हूँ, सुबह को 4 बर्तन रखे हुए हैं मैंने, ये इनमें ताज़ा पानी भर के इनके आगे रखता हूँ, उधर से ना पिए। एहतियात तो करता हूँ, मगर फिर भी गाँव है, यहाँ से मुर्गियाँ पी लेती हैं खाले में से ठंडा पानी। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने इसे दिया क्या है। मैंने इसे दिया है ब्रूफिन का सिरप दिया है और अमोक्सिल का सिरप दिया, ठीक है। अमोक्सिल का कैप्सूल भी दे देते हैं, अगर आपके पास हो तो इसका मुंह पकड़ के दे दें, ऊपर से पानी पिला दे से, तो काफ़ी बेहतर है। सुबह भी मैंने ये दिए हैं, अब भी हम अब देने लगे हैं आप लोगों के सामने, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमने ब्रूफिंग का सिरप दिया है, हम ये देंगे। अब हमने ये पानी ऊपर से पिला दिया है कि गले में कोई दवाई ना नीचे चले जाएगी। अगर मुर्गी का गला ख़राब है तो आप मोक्सल कैप्सूल भी दे सकते हैं, उसके जो खर खर की आवाज़ होती है ना गले से आ रही होती है मुर्गियों के, कि कोई भी हो, चाहे सील मुर्गा हो या वैसे भी, तो मोक्सल का कैप्सूल आप देख सकते हैं, उससे आपकी मुर्गी बेहतर हो जाएगी, इसका बुखार भी और एक्टिव भी हो जाएगी। तो हमने ये मोक्सल का कैप्सूल नहीं था हमारे पास, वो सिरप ही लेके हैं, उसके अंदर पाउडर ही था सफ़ेद, वो हमने दे दिया, ऊपर से पानी पिला दिया इसको, तो इंशाल्लाह इससे सुबह तक बेहतर हो जाएगी। इस दूसरी मुर्गियों से हम इस मुर्गी को अलग ही बंद करेंगे, क्योंकि दूसरी मुर्गियां भी इससे बीमार ना हो सकें। तो हमने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई अपने व्यूवर्स के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।